हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप बीएससी सेकंड ईयर में हैं तो ये केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो ये MJPRU, जी हाँ MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी, जो 29 तारीख को उनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ, उनके लिए केवल 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन दूंगा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। आपको 10 क्वेश्चन पर टिक लगाने, जो मैंने आपको 18 से जो 19 क्वेश्चन आपको दिए थे उन्हीं में से आपको 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन होंगे, आपको उन क्वेश्चन को याद करके चले जाना है। तो लगभग मैं वहाँ से आपको बता दूं 85% तो फंस ही जाना चाहिए मुझे हिसाब से, एक सह ठीक है ना। मतलब 10 क्वेश्चनों में से, मतलब कि लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके वहाँ पक्के फंस जाएंगे, ठीक है ना। 6 से 7 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चनों में से पक्के फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 दिन है और उन्हें रट लेना। पहला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जूल थॉमस गुणांक, ठीक है ना। जूल थॉमस गुणांक को याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है वो आता है आपका, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है। जो आपका देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद करना है वो है क्लोसियस कैपिरोल समीकरण, ठीक है ना। इस समीकरणों को याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देखिए जो कार्बोड चक्र होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोड साइकिल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा और वितरण नियम देखने पड़ेंगे आपको, वितरण नियम, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट नीचे जाना है और देखिए उसके बाद में आ जाता है हेनरी के नियम, जी हाँ हेनरी के नियम को याद कर लेना है, उनकी सीमाओं को लिमिटेशन को देख लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोले हाउस और कॉल ड्रॉस तो बिगड़ने नहीं रहेगी इतनी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ में आपको नीचे जाना पड़ेगा और नीचे आपको देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने वाला है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, विद्युत अपघटनशील पूछ रखता है, ठीक है ना। अभी विद्युत अपघटनशील था वो, अभी देखिए विद्युत अपघटनशील नहीं पूछा था लेकिन गैल्विन सेल अवध यूनिवर्सिटी में पूछा था, ठीक है ना। तो आपको ये दो क्वेश्चन सेल देख लेना है यदि हो तो, लेकिन ये वाला मत देखना, गैल्विन सेल नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड है, जो मानक इलेक्ट्रोड्स है उसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड्स आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको मानक जो इलेक्ट्रोड्स है उसको याद कर लेना है। उसके बाद में नीचे जाना है और यहाँ देखिए बिलेन दाब मैं बता चुका हूँ, नर्वेट्स का ऊपर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है ना। नर्वेट्स का वितरण नियम बता रखा है और यहाँ जो है वो है आपका बिलेन दाब, ठीक है ना। ये एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं आपको दोनों क्वेश्चन, यहाँ एक ही क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में नीचे जाना है और उसमें देखिए प्रथम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रट लीजिए, ओके। और किरचॉप, उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वॉर्न हैवर साइकिल, जी हाँ वॉर्न हैवर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रमण क्या होता है ये आपको देख लेना है। और उसके बाद में ये ज़्यादा पूछा जाता है, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, जी हाँ सक्रिय ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद में ऑस्टेड के तनुता का नियम याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में पीएच मान तो नहीं आता इतना, लेकिन द्रव संगत अवस्था विभव देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जी हाँ ये वाला और ये वाली समीकरण, ठीक है ना। जो ग्लब्स हैम जो हेल्स होल्जी समीकरण है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। होल्डी समीकरण ये आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन इतने को देख कर और बर्फ बिलियन, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन देख के चले जाना, ठीक है। टोटल इतने क्वेश्चन है और आपको मैं टिक लगा लो फटाफट और इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है छोड़ देना, मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ देना, मतलब कि कुछ इनको भी ध्यान दे देना, उन्हें पढ़ लेना, ठीक है ना। यदि आ भी जाए तो उन्हें बना के लिख दो, ठीक है ना, इतना तो हो ही जाएगा ना। लेकिन इन क्वेश्चनों को जो मैंने बताया, इन्हें मुक्त ऊर्जा वगैरह इनको कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना, इन्हें रट लेना है। और बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें पढ़ लेना है, एक दो बार पढ़ोगे तो यदि आ भी जाता है एग्जाम में तो आप वहाँ बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, कोशिश करोगे बना के लिखने की, ठीक है ना। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और छोड़ के मत आना, बता रहा हूँ, चाहे जो भी वो याद हो वो करके आना। पहले आपको वो करना है, मैं आपको बता दूँ, पहले ही बता चुका हूँ इस बात को, पेपर कैसे दिया जाता है। पहले आपको जो याद है, जो भी याद है पहले वो करो, ठीक है ना, पहले जो भी याद है वो करो जितना हो रहा है। उसके बाद में जो पता नहीं है ना उसको भी बना बना के लिख दो, क्योंकि देखियो एग्जामर जब भी कॉपी चेक करता है आपकी तो क्या करता है, स्टार्टिंग से जब करेगा वो आपको सब कुछ आंसर आपको जो अच्छे होंगे तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है ना। और लास्ट में भी जाएगा और उसे थोड़े भी अच्छा लगेगा आपका क्वेश्चन कि हाँ बंदे ने लिखा है, अच्छा लिखा है, वो एक नंबर वहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर देने की कोशिश करेगा, कहेगा कि हाँ बंदे ने लिखा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए 1 नंबर ही बहुत होता है पास होने के लिए, 1 नंबर ही बहुत होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और जो मैंने कहा है उन क्वेश्चनों को याद करके और एग्जाम में देने चले जाओ। उसके बाद देखते हैं क्या क्या, और ये वाला क्वेश्चन व्यवस्था नियम भी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है अभी अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो बताए हैं 10 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है उनको याद करके चले जाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। उसके बाद जो आज का पेपर आया वो भी मस्त आया था, ठीक है ना, और आपने देखा होगा, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा हाल ही में। तो वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर, गुड बाय।